और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश में WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। सरकारी आंकड़े से 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। मौतों का आंकड़ा 47 लाख से भी ज्यादा है। WHO के आंकड़ों को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट में कहा कि बीजेपी सच्चाई को झुठला नहीं सकती है। कमलनाथ के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है और कहा कि कमलनाथ अब मातम की राजनीति करना चाहते हैं। WHO की मान रहे हैं, हिंदुस्तान की नहीं मान रहे। यही तो विशेषता है। महान भारत को बदनाम भारत कैसे करें, जो उन्होंने कहा था ना, यही उनकी थीम है कि पूरी कांग्रेस अब ये मातमी राजनीति पे आ गई, स्यापा राजनीति हो रही है। वो WHO की मान रहे हैं, हिंदुस्तान की नहीं मान रहे। यही तो विशेषता है। महान भारत को बदनाम भारत कैसे करें, जो उन्होंने कहा था ना, यही उनकी थीम है कि पूरी कांग्रेस अब ये मातमी राजनीति पे आ गई, स्यापा राजनीति हो रही है। वो WHO की मान रहे हैं, हिंदुस्तान। खरगोन में हिंसा पीड़ितों का दर्द जानने गए कांग्रेस नेताओं के विरोध के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने बता दिया कि अब गुमराह करके राजनीति नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने आईना दिखा दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने भी दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद के नारे लगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये प्रदेश की जनता है, ये सब जानती है। पर उन्होंने कह दिया कि आतंकवादी, मैं नहीं कह रहा, जनता ने कहा कि कांग्रेस पैदा करती है। सियासत, कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, पहले बस्ती भी जलवाना है, फिर मातम भी मनाना है। और कमाल है, सज्जन भाई को मान गए हम। जो खड़ेड़ा है जनता ने, उस वक्त भी उनने दिग्विजय सिंह को नहीं छोड़ा है। कोई अवसर नहीं छोड़ते दिग्विजय सिंह के अपमान का। सज्जन भाई वहां भी नारे उन्होंने दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद के लगवाई दिए। अब इनकी अंदर की गुटबाजी है, लेकिन जनता के बीच भी ले जाने से कांग्रेस के लोग छोड़ते ही नहीं।